गुड मॉर्निंग पिला माने, आजिर विषय हेउछि जनन विभाग 3। आज एही विषय रे आमे पढ़िबा परिवार नियोजन, मानव जनन संपर्कीय रोग एड्स ओ एचआईवी, संतान धारण ओ मांग स्वास्थ्य एवं शेषरे पढ़िबा जननी सुरक्षा योजना। हेले चालंतु प्रथमे पढ़िबा परिवार नियोजन। परिवारर पिला संख्या सीमित रखिबा ओ संतान भितरे उचित व्यवधान रखिबा पद्धति को परिवार नियोजन कहा जाए। भारत सरकार तरफरु 1952 मसीहा ठारु परिवार नियोजन योजना कार्यकारी होईछि। पिला माने चालंतु विभिन्न प्रकार परिवार नियोजन पद्धति विषय रे जानिबा। कौनसी उपाय रे शुक्राणु और डिम्बाणु मिलन को रोका जाय पारिले गर्भधारण को एडा जाय पारिबो। परिवार नियोजन पई व्यवहृत विभिन्न प्रकार उपाय दुई भाग रे विभक्त, यथा स्थायी पद्धति एवं अस्थायी पद्धति। चलंतु प्रथमे जानिबा स्थायी पद्धति। एहा एक प्रकार अस्त्रोपचार पद्धति। एही पद्धति रे महिला बा पुरुष को बंध्याकरण अस्त्रोपचार करा जाय, फलरे भविष्यत रे औ संतान जन्म हेबार संभावना नथाय। पुरुष बंध्याकरण अस्त्रोपचार को वैसेक्टोमी ओ महिला बंध्याकरण अस्त्रोपचार को ट्यूबेक्टोमी कहा जाय। वैसेक्टोमी द्वारा पुरुषर दुईटी जाक नली को काटी अलगा करी बांधी दिया जाए थाए, फलरे रेत शुक्राणु मुक्त थाए। एबे बिना छुरी और बिना सिलाई रे 10-15 मिनिट समय रे वैसेक्टोमी करा जाउछि। ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी स्त्री शरीर रो दुईटी जाक डिंब बाही नली को काटी बांधी दिया जाए, फलरे डिंबाणु एवं शुक्राणु रो मिलन और संभव हुए नाही। पिला माने आमे तो स्थायी पद्धति विषय रे जानिले, एबे चलंतु जानिबा अस्थायी पद्धति। भारत सरकारंकर परिवार नियोजन कार्यक्रम रे विभिन्न प्रकार अस्थायी पद्धति व्यवहार करा जाउछि। एहा द्वारा परिवार नियोजन विभिन्न समय पर्यंत परिचालना करा जाए। सरकारंकर परिवार नियोजन विभाग द्वारा नियुक्ति प्राप्ति आशा कर्मी माने परिवार नियोजन कार्यक्रम विषय रे लोकमानंको बुझाउछन्ते। पिला माने एबे चालंतु पढ़िबा मनीष जनन संपर्कीय रोग। मनीष जनन क्रिया माध्यम रे गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स भली विभिन्न प्रकार रोग होइथाय। एड्स, एड्स कौनसी प्रकार रोग नुहे। एहा मनुष्य शरीर रो एक अवस्था जेउथिरे शरीर रो रोग प्रतिरोधी शक्ति धीरे धीरे नष्ट होई जाए, फलरे एड्स आक्रांत व्यक्ति कौनसी रोग रो सफल प्रतिरोध करिबा को समर्थ हुए नाही, तेणु जे कौनसी रोग हेले ताहा आउ भल हुए नाही। पिला माने एड्स रो फुल फॉर्म हेउछि एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स विषय रे खबर 1960 मसीहा ठारु मिलि आसुथिला, किंतु 1981 मसीहा रे प्रथमे उत्तर अमेरिका रा न्यूयॉर्क ओ कैलिफोर्निया शहर रे एड्स आक्रांत व्यक्ति को ठाब करागला। 1986 मसीहा रे भारत रे प्रथम एड्स से आक्रांत व्यक्ति को चिन्हट करा जायथिला। एहा परठारु एड्स से आक्रांत व्यक्तिंक संख्या प्रतिवर्ष धीरे धीरे बढ़िबारे लागिछि। एड्स को नियंत्रण रे रखिबा पई कोनोसी निर्दिष्ट औषध नथिबारु एहा चिंतार कारण होइछि। एचआईवी, पिला माने एड्स एक भूताणु बा भाइरस द्वारा होइथाय। एही भूताणु रो नाम होछि एचआईवी बा ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अन्य भूताणु परि एहार शरीर गठन अति सरल, मुख्यतः पुष्टिसार बा प्रोटीन रे गठित खोल बा मध्ये भूताणु रो
आनुवंशिक पदार्थ रही था। एही आनुवंशिक पदार्थ बा जेनेटिक मटेरियल होची आरएनए। आरएनए थिबा भूताणु को रेट्रोवायरस कुहा जाय थाए। पिला माने एबे चालंतु एड्स रो रोग प्रक्रिया बा पाथोजेनेसिटी विषयरे पढ़िबा। आम रक्त रे थिबा श्वेत रक्त कणिका माने आम शरीर को बाह्य संक्रमण रु रक्षा करंदी, किंतु एड्स से आक्रांत व्यक्ति शरीर में टी लिम्फोसाइट नामक एक प्रकार श्वेतसार कणिका संख्या द्रुत गति रे ह्रास पाए, फलरे सेमानक ठारे मासाधिक काल ज्वर लागि रहे, सेहिपरि झाड़ा काश मध्य लागि रहे। श्वास तंत्र और स्नायु तंत्र रे मध्य समस्या देखा दिए, व्यक्तिर ओजन ह्रास पाए, सफल चिकित्सा नथिबारु शेषरे व्यक्तिर मृत्यु हुए। पिला माने एड्स सृष्टिकारी भूताणु मनीष शरीर बाहर परिवेश रे एक मिनिट रु अधिक समय मध्य बंची पारे नाही। एहा जने व्यक्ति शरीर रु सीधा सड़क अन्य व्यक्ति शरीर को संक्रमित होई थाए। एड्स से आक्रांत व्यक्ति थारु रक्त ग्रहण एवं एड्स पीड़ित माँ ठारु गर्भस्थ शिशु को संक्रमण यार किसी उदाहरण। भारत में 85% एड्स संक्रमण एड्स आक्रांत व्यक्ति सहित अनैतिक दैहिक संपर्क स्थापन द्वारा व्यापी थाए। एड्स चिन्हट, जने व्यक्ति एचआईवी द्वारा आक्रांत होई कि नहीं से विषय में जानवा पाई एबे विभिन्न प्रकार परीक्षण उपलब्ध हेलाणी। रक्त रे एंटीजन और एंटीबॉडी रो उपस्थिति अनुसार परीक्षण को आम दुई भाग में विभक्त करि पारिबा, यथा रैपिड एचआईवी टेस्ट एवं परंपरागत परीक्षागार परीक्षण बा कन्वेंशनल लैबोरेटरी टेस्ट। चलंतु प्रथमे देखिबा रैपिड एचआईवी टेस्ट। एही परीक्षण रे व्यक्तिर अंगूठी टिपरु रक्त नहीं परीक्षा करा जाई थाए। एही परीक्षण पाई 20-30 मिनिट समय लगी थाए। एथि पाई विशेष यंत्रपातिर आवश्यकता होई न थाए। परंपरागत परीक्षागार रे एही परीक्षण गुड़िक हेउछि एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एसे, अल्फा एंजाइम लिंक्ड फ्लोरोसेंट एसे। अल्फा एंजाइम लिंक्ड फ्लोरोसेंट एसे, डेटा रिसेंट इन्फेक्शन टेस्टिंग एल्गोरिथम P24 इत्यादि। वेस्टर्न ब्लॉटिंग कौशल एड्स चिन्हट पाई सबुठारु विश्वसनीय उपाय। एड्स विषय रे जन सचेतनता सृष्टि करिबा पाई प्रतिवर्ष December 1 को विश्व एड्स दिवस भावे पृथ्वीर सबु देशरे पालन करा जाउछि। पिला माने आमे एड्स विषय रे पढ़िले, एबे चालंतु पढ़िबा संतान धारण ओ मांक स्वास्थ्य बा चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ। भेषज विद्या संज्ञा अनुजाई महिलांकर गर्भधारण ठारु संतान जन्म देवा पर्यंत घटुथिबा समस्त घटना बळी संतान धारण कुहा जाए। एही घटना द्वारा गोटी देशर जनसंख्या वृद्धि सहित पर पीढ़ीर सुस्थ नागरिक तयारी करिबा पई यथेष्ट अवदान रहिछि। तेणु जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण उभयरे महिलांकर अवदान रहिछि। एक जनकल्याणकारी राष्ट्र रे महिलांक गर्भधारण ठारु शिशु जन्म तथा प्रसव परे मां और शिशुर जत्न नेबा राष्ट्रर एक मुख्य दायित्व। एथि निमन्ते गर्भवती महिला और शिशु मानकर जत्न और सुरक्षा पाई आम देशर समस्त सहर और ग्रामांचल रे 2005 जातीय स्वास्थ्य मिशन बा नेशनल हेल्थ मिशन कार्यकारी होईछि। एही योजनार लक्ष्य हेउछि
सबु नागरिकक निकटरे स्वास्थ्य सेवा पहुंचाइबा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गुडीकु शक्तिशाली करिबा संक्रमण रोगर प्रतिकार ओ नियंत्रण करिबा सुस्थ जीवन सज्जा पई प्रोत्साहन करिबा आशा कर्मी ओ अंगनवाड़ी परी संस्थार दृढ़ीकरण करिबा ही योजना माध्यम रे जने स्त्री लोकर प्रसव पूर्वकालीन प्रसवकालीन और प्रसव परकालीन स्वास्थ्य रो जत्न पई समस्त व्यवस्था करा जाय छी। प्रसव पूर्वरु महिला मानंकु मागणा रे लोह ओ फ्लो ओ फोलिक एसिड बटिका बंटा जाउ छी। आसन प्रसव महिलांकु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर जिला डाक्टर खाना रे प्रसव कराइबा सरकारंग तरफरु मागणा एम्बुलेंस रो व्यवस्था करा जाय छी। विभिन्न रोगरु शिशु मानंकु सुरक्षा देबा पई सरकार सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रम मध्य हातकु नै छेंती। विश्व स्वास्थ्य संगठन बा WHO ओ यूनिसेफ परी विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संस्था मां ओ शिशु मानंकु सुरक्षा पई विभिन्न कार्यक्रम माध्यम रे वैषयिक ओ आवश्यक स्वास्थ्य सेवा पई उपकरण मान जोगाई देउछन्ती। पिला माने आजि एही विषय रे आमे सिखिले परिवार नियोजन मानव जनन संपर्कीय रोग एड्स ओ HIV संतान धारण ओ मांक स्वास्थ्य जननी सुरक्षा योजना। पिला माने आजि तुम बहिर जनन विषय टी शेष हो जाय छी। पिला माने मु आशा करू छी एही वीडियो टी आपनंकु भल लागी थिबो।